आई थिंक जिस काम को आप इंजॉय करते हो उसको करना इतना इम्पॉर्टेंट है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जिस काम को आपको करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, अगर आप उस काम को जितने देर तक रेजिस्ट करोगे, अगर आप सिंगर बनना चाहते हो और अगर आप बैंक की जॉब कर रहे हो, तो जितने दिन आप उस बैंक की जॉब करोगे आप उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो भी काम आपको पसंद हो या जो भी आप बनना चाहते हो, आप उस डायरेक्शन में बिल्कुल आप काम करते रहो। अगर आप बैंक की जॉब करते हो और अगर आप सिंगर बनना चाहते हो, तो बिल्कुल आप अपनी उस हॉबी को, आप अपने उस इंटरेस्ट को ज़िंदा रखो, क्योंकि अगर आप उसको जितना रेजिस्ट करोगे उतना ही आप लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, और ये भी चांस हो जाते हैं अल्टीमेटली आगे चलने के बाद कि आप किसी गलत डायरेक्शन में चले जाओ। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी जिन्होंने स्पोर्ट्स में गुजार दी, और अल्टीमेटली जब जॉब की बात आई तो उन्होंने कोई कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया, उन्होंने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने लगे या कोई भी एक सेल्स जॉब पकड़ ली, लेकिन वो इतने ज़्यादा लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो गए, वो इतने ज़्यादा लाइफ को उनकी ख़राब हो गई, वो गलत कामों में चले गए, उनसे पैसा मैनेज करते नहीं आ रहा है। और जबकि जब वो मेरे साथ थे, जब वो स्पोर्ट्स खेल रहे थे, तब वो बहुत ही अच्छे बंदे थे जो अच्छी बातें करते थे, जो सही काम करते थे और जो लाइफ को इंजॉय करते थे। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब उन्होंने स्पोर्ट्स से एकदम कट ऑफ कर दिया और एक पर्टिकुलरली जो उनका नेचर था उससे एक डिफरेंट काम जाके पकड़ लिया, तो लाइफ उनको बहुत ही बोरिंग लगने लगी, लाइफ उनको बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगी, और जो उनके अंदर से एक एनर्जी आ रही थी स्पोर्ट्स को लेके, जो 20-22 साल से उनके अंदर से एनर्जी निकल रही थी और जो रिलीज़ हो रही थी क्योंकि वो क्रिकेट मैचेस खेलने जा रहे थे, वो टूर्नामेंट्स खेल रहे थे, वो अब रिलीज़ होना बंद हो गई। तो जब वो रिलीज़ होना बंद हुई तो अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन उनकी लाइफ में आ जाता है, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है गलत कामों को करने से, वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है पीने से, वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है बुरी आदतें जैसे सिगरेट स्मोकिंग करने से, तो या फिर उनको लगता है कि शादी कर लेंगे तो हम और खुश हो जाएंगे, और अल्टीमेटली वो और फंस जाते हैं अपनी लाइफ में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी काम आप इंजॉय करते हो, अगर आप स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हो तो बिल्कुल जॉब के साथ साथ स्पोर्ट्स भी आप खेलो, और अगर आपको आपकी जॉब पसंद नहीं है तो बिल्कुल आप कोई ऐसी जॉब करो जिसमें स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसी जॉब करो जहाँ पे म्यूज़िक कहीं ना कहीं रिलेटेड हो या फिर आर्ट्स कहीं ना कहीं रिलेटेड हो। तो जो भी आपका इंटरेस्ट और हॉबी है जॉब के साथ साइमल्टेनियसली उसको जगा के रखो। अगर आपको आपकी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो तब तक जॉब करो जब तक कि आप अपनी उस इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई जॉब आपको मिल नहीं जाती है, क्योंकि उस चीज़ को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक आपका एक नेचर रहा है 20-22 साल तक, और आप उसको एकदम रेजिस्ट कर दोगे तो आप की लाइफ में टेंशन होनी ही होनी है। और ये मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे जितने भी फैमिली सफ़र कर रही हैं, वाइफ सफ़र कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, वो बच सकें, और ऐसे लोगों के पास मेरा वीडियो जाए और उस बात को वो कानों में अपने सुने, और जो भी उनके अंदर से एनर्जी आ रही है स्पोर्ट्स को लेके, आर्ट्स को लेके, म्यूज़िक को लेके, राइटिंग को लेके, स्पीकिंग को लेके, या फिर एंटरटेनमेंट को लेके, म्यूज़िक, एक्टिंग, कुछ भी हो, लेकिन आप उस इंटरेस्ट और हॉबी को बिल्कुल परस्यू करें, और हो सके तो बिल्कुल आप उसमें करियर बनाने की कोशिश करें। क्योंकि आप अगर कम पैसा कमाएंगे अपने इंटरेस्ट और अपनी हॉबी में, फिर भी ज़्यादा खुश रहेंगे। बहुत सारी मूवीज़ में भी, थ्री इडियट्स में भी, जैसे आप लोगों ने देखा कि वो बंदा जाके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी स्टार्ट कर देता है, तो बिल्कुल आपको वो एक बहुत सही बात है। और ये भी है कि अपने जो इंटरेस्ट और जो हॉबीज़ है उसको बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करना चाहिए कभी।